viewers and lovelies, welcome back to this channel. Once again, मैं हूँ श्रुति जो आपके लिए लेकर आती है different different product reviews. उसी तरह से आज भी कुछ product को लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ reviews share करने के लिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से जान सके कि ये product के actual ingredients क्या है, किस तरह से काम करते हैं और बाकी जितनी भी इसकी details रहती है वो सब मैं share करूंगी इस particular video में. तो अगर आप किसी product के बारे में full detail में जानना चाहते हैं कि वो product आपके लिए काम करने वाला है, नहीं करने वाला, किस तरह से काम करने वाला है, क्या रिजल्ट देता है, कितने दिनों में देता है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करती हूँ अपनी हर एक वीडियो में रिलेटेड. हर किसी प्रोडक्ट के बारे में, हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं शेयर करती हूँ. तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू अपलोड हो तो आप उसे मिस ना करें, आप भी बेहतरीन तरीके से जान पाए कि आपकी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा. अब स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो. आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉडी लोशंस. अगर तो आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, चेकआउट करते हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं जनरली ऐसे प्रोडक्ट्स को शेयर करती हूँ, ऐसे प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि डेली एसेंशियल्स में आते हैं, डेली हम यूज़ करते हैं, जैसे क्रीम्स हो गए, फेस वॉशेस हो गए. सो दैट जैसे मेकअप ऐसी एक कैटेगरी आ जाती है जो हर कोई यूज़ नहीं करता, बट सम एसेंशियल थिंग्स आर देयर जो हर कोई यूज़ करता है, हर एक फैमिली में यूज़ होता है. तो ये आई थिंक मेरा ये मानना है कि ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जान सकेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट आपके और आपकी फैमिली के लिए किस तरह से काम करेगा. तो आज मैं बात करने वाली हूँ बॉडी लोशन के बारे में, जो अगेन एक डेली एसेंशियल प्रोडक्ट है, हम लोग डेली यूज़ करते हैं, 12 के 12 मंथ्स यूज़ होता है. तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. तो ये है बायोटिक के वेरियंट्स बॉडी लोशन के. बायोटिक ने रिसेंटली अपने कुछ वेरियंट्स लॉन्च किए थे इन बॉडी लोशन, तो मैंने भी कुछ वेरियंट्स को पिक किया, चूज़ किया और परचेज करके इन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया, सो दैट मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर सकूं और ख़ुद भी हम एंजॉय कर सकें डिफरेंट वेरियंट्स को, डिफरेंट टेक्सचर्स को एंड डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस को. तो एक एक करके मैं आप लोगों को इन लोशन्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेन इन्ग्रीडियंट अगर आपको एक मिल रहा है तो वो मेन इन्ग्रीडियंट ही इसमें होने वाला है लोशन में. मेन इन्ग्रीडियंट के साथ साथ बायोटिक ब्रांड ने और भी कई एडिशनल जो नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं थ्रू मेक दीज बॉडी लोशंस मच मोर इफेक्टिव, मच मोर रिजल्ट गिविंग आप कह सकते हैं. तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बॉडी लोशन के बारे में. सबसे पहले आप पैकेजिंग देख लीजिए, क्योंकि पैकेजिंग जो मेन पैकेजिंग है वो सबकी सेम है. दिस ग्रीन कैप एंड वाइट बॉटल, सबकी ऐसी ही पैकेजिंग आपको मिलने वाली है, एक्सेप्ट दिस वेरियंट पिक्चर. ऑब्वियसली वेरियंट सबका चेंज है, तो आपको यहाँ पे वेरियंट की पिक्चर सब में डिफरेंट मिलने वाली है. बाकी जो मेन पैकेजिंग है ग्रीन कैप एंड वाइट बॉटल, वो सबकी सेम रहने वाली है. इस पर्टिकुलर पैकेजिंग में जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो है 75 ml की. जी हाँ, 75 ml, जो कि क्वाइट एक गुड क्वांटिटी है टू यूज़. और प्राइस है इसका टोटली अफोर्डेबल, वो है जस्ट ₹99. और अगर आप ऑनलाइन परचेज करें तो डेफिनेटली आपको ऑफर्स भी मिल सकते हैं, डिस्काउंट भी मिल सकता है. तो इट्स टोटली अप टू यू, आप कब कौन सा ऑफर अवेल कर रहे हैं. प्रिंट प्राइस जो है वो है ₹99 और जो क्वांटिटी मिलती है वो है 75 ml की, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बॉटल में. अब बात करते हैं फटाफट से पहले वेरिएंट की. तो जो पहला वेरिएंट है वो है बायो वाइट ऑर्चर्ड. वाइट ऑर्चर्ड जो होते हैं वो आपकी ब्राइटनिंग पे काम करते हैं, आपकी स्किन को निखारने में काम करते हैं, आपकी स्किन की प्लम्पनेस को बनाए रखने में काम करते हैं. तो मेन इंग्रेडिएंट इसका यही है, और दिस इज बायो वाइट ऑर्चर्ड स्किन वाइटनिंग बॉडी लोशन फॉर एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग एंड रेडियंस. तो अगर आपकी स्किन डल है, आपकी स्किन का जो ओरिजिनल कलर है वो नहीं रिटेन कर पा रही है, तो डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपके हैंड्स या आर्म्स आपको लगते हैं कि टैन आउट हो चुके हैं, उनका जो एक्चुअल कलर था वो अभी नहीं है, तो आप ऐसे बॉडी लोशंस को यूज़ कर सकते हैं जो उसका नेचुरल कलर जो है रिस्टोर करने में आपको हेल्प करेगी. साथ ही साथ में जो इसमें और इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर देती हूँ. सबसे पहले तो इसमें वाइट ऑर्चर्ड जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो तो आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा. साथ ही साथ इसमें है कोकोनट एंड आलमंड. तो ये तीनों ही चीज़ें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती हैं आपकी स्किन को, आपकी स्किन को ब्राइटर बनाने में, वाइटर बनाने में काम करती है, और साथ ही साथ मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करती है. तो जब आपकी स्किन को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आपके सारा स्किन को ये सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ऑब्वियसली जो आपकी स्किन है वो रिपेयर होना स्टार्ट होती है, ब्राइटर दिखना स्टार्ट होती है, मच मोर हेल्थियर दिखती है. तो अगर आप ब्राइटनिंग पर आपका एम है, अगर आप चाहते हैं आपकी जो आर्म्स हैं या फिर हैंड्स हैं या फिर कुछ भी आप ब्राइटनिंग चाहते हैं ऑन योर बॉडी पार्ट्स, तो आप डेफिनेटली इस बॉडी लोशन को ट्राई आउट दे सकते हैं. बात करें कलर की तो इसका कलर है टोटली वाइट इस तरह से है. टेक्सचर की बात करें टोटली लाइट वेट है, बिल्कुल एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है. फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, सबको पसंद आने वाली है. जिनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है तो मैं बता दूँ, ये वाइट ऑर्चिड वाली की
एज कम्पेयर टू द अदर टू थोड़ी सी स्ट्रांग है, बट ऑब्वियसली थोड़ी सी कुछ मोमेंट्स बाद ये फेड अवे हो जाती है. तो इट्स टोटली फाइन, एटलीस्ट विद मी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक है थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस तो यार रहनी भी चाहिए, ऑब्वियसली कुछ फील तो हो कि वी हैव अप्लाइड समथिंग ग्रेट. तो ओवरऑल अगर बात करिए, इट्स नॉन ग्रीसी, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. तो आप मानसून हो, समर्स हो, सब में यूज़ कर सकते हैं. मैं इसको मानसून ही तब से स्टार्ट हुआ जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम टोटली फाइन विद इट. बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, एक ग्लो आपकी स्किन पर ला रहा है, आपके हैंड्स आर्म्स बहुत ही अच्छी तरीके से नरिश रखता है आपकी स्किन को. तो ये है पहला वेरियंट. तो अगर आप व्हाइटनिंग चाहते हैं, यू कुड डेफिनेटली चेक आउट दिस बायो वाइट ऑर्चर्ड. जो नेक्स्ट हमारा वेरियंट है वो है बायो क्रीम कोकोनट. आप यहाँ पे देख सकते हैं कोकोनट बने हुए हैं. दिस इज अल्ट्रा रिच बॉडी लोशन फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन. जैसे कि मैं ड्राई स्किन पर्सन हूँ और ड्राई टू वेरी ड्राई भी चली जाती हूँ, तो इट्स टोटली लाइक माई टाइप लोशन आप कह सकते हैं. वैसे तो ये तीनों ही बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोकोनट वाला है वो आपको ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन दे रहा है. द थिंग विच आई फेल्ट इज लाइक दिस, मैं उसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो बाकी दो वेरियंट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं. तो ये है बायो क्रीमी कोकोनट वेरियंट. अगेन 75 ml ऑफ क्वान्टिटी और प्राइस है 99 rupees. इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है कोकोनट, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट है. साथ ही साथ इसमें आपको मिलती है तुलसी. तो आपको कामिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, सोदिंग इफेक्ट आपकी स्किन को ये प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ मॉइस्चराइजेशन, हम सभी जानते हैं जो कोकोनट मिल्क होता है दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन लिक्विड ऑल्सो. तो आपकी स्किन के लिए एज अ एंटी एजिंग, आपकी स्किन पे रफनेस अगर हो, आपकी स्किन पे अगर हार्शनेस है, आपकी स्किन पे इरिटेशन है, इन सब चीजों पे काम करता है पार्टिकुलर लोशन. अगेन द कलर इज सेम, इनके कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वाइट कलर अगेन. और इसका टेक्सचर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा थिक है, एब्जॉर्ब नहीं होता या स्टिकी है, बिल्कुल 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 भी नहीं. टेक्सचर ऑलमोस्ट यू कैन से सेम, बट ये वाला जो है ये थोड़ा सा आपको रनी सा लगेगा. दिस इज नॉट दैट मच रनी, बट एप्लीकेशन जो है दोनों की एक जैसी सी रहती है, एकदम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं दोनों के दोनों. और दोनों ही एब्जॉर्ब होने के बाद दोनों में से कोई भी स्टिकी फीलिंग आपको नहीं देने वाला आपकी बॉडी पर, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि ये मॉनसून सीजन है तो वो स्टिकी फील किसी को भी पसंद नहीं आता, तो वो फील आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला. तो इसमें आपको मिल जाता है तुलसी एज ए एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट, साथ ही साथ और भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें. अब बात करते हैं एट लास्ट इस पर्टिकुलर वेरियंट की, जो कि है गोटू कोला. तो इसमें भी सेम 75 ml ऑफ क्वांटिटी एंड द प्राइस इज ₹99. और बाकी इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है गोटू कोला एज अ मेन इंग्रेडिएंट इसमें प्रेजेंट है ही है. उसके साथ आपको इसमें रिच ऑयल्स मिलते हैं जैसे कि सनफ्लावर एंड महुआ. तो सनफ्लावर, महुआ ये और गोटू कोला, ये तीनों ही चीजें लोडेड, जिसको कहते हैं ना लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तीनों ही चीज़ें लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स है. यानी कि अगर आप अपने स्किन के टेक्सचर को चेंज करना चाहते हैं ना, तो आपको ये वाला बॉडी लोशन ट्राई आउट करना चाहिए. जी हाँ बिल्कुल, अगर आप स्किन के, अगर आपका स्किन टोटली रफ है, क्रैकी है और मतलब स्मूथ टेक्सचर नहीं है अगर आपकी स्किन का, तो डेफिनेटली जैसे एल्बोज का कई बार, हाँ कई लोगों के एल्बोज होते हैं टोटली वो हार्श क्रैक्ड से लगते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये वाला, इस वाले पर्टिकुलर के लिए जाना चाहिए. जी हाँ, क्योंकि इसमें जो क्वालिटीज है, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है ना, दे वर्क आई थिंक द मोस्ट मैजिकली फॉर योर स्किन. सब में अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, बट ऑब्वियसली बात वही आती है जैसे जो बायो वाइट ऑर्चिड है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी ब्राइटनिंग पर एम करते हैं, तो वो ब्राइटनिंग पर ही एम करेंगे. दे विल नॉट गो फॉर दैट क्रैकनेस. ऑब्वियसली मॉइस्चराइजेशन तो प्रोवाइड करेंगे, बट जिस लेवल की आपको वो हीलिंग चाहिए स्किन की, जैसे जिनकी एल्बोज यहाँ पे क्रैक वगैरह होती है या फिर कुछ ऐसा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, उनके लिए बेस्ट बेस्ट जो है वो ये गोटू कोला वाला लोशन है. अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन ऐसी हार्श या क्रैकी या कुछ ऐसी है, तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर बॉडी लोशन के लिए जाइएगा, सबसे पहले इस पर्टिकुलर को यूज करिएगा. तो अगर आप व्हाइटनिंग पे एम करना चाहते हैं, आपकी स्किन डल है या टैनिंग हो गई हुई है या फिर कुछ ऐसा, तो आप दिस वाइट ऑर्चिड को पहले परचेज कर लीजिए.
और अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी मॉइस्चराइजर चाहिए आपके स्किन के लिए टू मेक इट फील नारिश्ड, तो आप ये कोकोनट वाला परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन क्रैकी, बिल्कुल ही टेक्सचर गंदा सा हो रखा है, रफ हो रखा है, ड्राई हो रखी है, डलनेस है उसमें, रिपेयरिंग अगर आप चाहते हैं स्किन की, तो आप इस पर्टिकुलर के लिए जाइएगा। मुझे उस मामले में दिस वन, जैसे नीज, एल्बोज वगैरह उन चीजों पर, ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रिव्यू इन तीनों वेरिएंट्स को लेकर। आई होप आपको इन तीनों वेरिएंट्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा। आप अच्छी तरीके से अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पहले कौन से वेरिएंट के लिए जाना है, द कोकोनट वन, दिस गोटू कोला वन, या फिर व्हाइट ऑर्चिड। तो इट्स टोटली अप टू योर नीड, आपकी स्किन को किस चीज की जरूरत है, आप डेफिनेटली उस चीज के लिए जाइए। नहीं तो आप इन तीनों वेरिएंट्स को परचेज कर सकते हैं बिकॉज दीज आर टोटली अफोर्डेबल। तो ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, ताकि आप लोगों की एक हेल्प हो सके, आप बेहतर तरीके से जान सके कि ये सारे जो वेरियंट्स है एक्चुअल में किस तरह से रिजल्ट देते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम पे काम करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटिफुल एंड बाय बाय।